हे गाइस, तो आप सब कैसे हो। मैं आपका जो जीजू सर, आप सभी को जीजू सर टेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ किस तरह से किसी भी सॉन्ग का बीपीएम आप लोग चेंज कर सकते हो, मतलब बीपीएम बढ़ा सकते हो। क्योंकि गाइस, कुछ कुछ सॉन्ग ऐसा होता है कि उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए उसका बीपीएम बढ़ाना पड़ता है। तो आज मैंने वही बताने वाला हूँ किस तरह से सॉन्ग का बीपीएम आप लोग बढ़ा सकते हो। गाइस, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बैक ट्रैक ऐप और गाइस क्रॉस डीजे ऐप पर आप लोग बीपीएम चेंज कर सकते हो। पर उस ऐप पर आप लोग बीपीएम चेंज करोगे तो उसका जो एमबी है वो थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो और उसका जो क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं रहता है, क्वालिटी थोड़ा कम हो जाते हैं। तो इसलिए आज मैंने कुछ अलग सोचा है, आप लोग के लिए एक अलग ऐप लेके आया हूँ। तो उस पर आप लोग बीपीएम चेंज करोगे तो उसका क्वालिटी अच्छा रहेगा और गाइस उसका जो एमबी है वो बढ़ेगा नहीं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, जो कि वीडियो को एक लाइक कर देना है और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हो सके तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, और वीडियो कैसा लगे कॉमेंट करके बताना है। तो गाइस, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐप कौन सा ऐप है आप लोग को देखा जाता हूँ। तो गाइस, ये वाला ऐप है, आप लोग देख सकते हो, म्यूजिक स्पीड चेंजर। आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। तो गाइस, इस वाला ऐप को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो ओपन करता हूँ। और गाइस, इस पर कुछ सेटिंग वगैरह कर लेना है, तो किस तरह से आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस, इसको जब ओपन करोगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा, और इधर आप लोग को एलो कर लेना है। तो गाइस, इस पर पहले कुछ सेटिंग वगैरह कर लेना है, तो कौन सा सेटिंग वगैरह है आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस, इधर आप लोग को क्लिक कर लेना है, और जब क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आप लोग को सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो सेटिंग कर क्लिक कर देना है। तो गाइस, कुछ इस टाइप का आ जाएगा। तो इस यहाँ पर आप लोग जो सेटिंग करना चाहते हो कर सकते हो। तो मैंने कुछ सेटिंग कर देता हूँ। तो गाइस, पहले जो इस वाले ऑप्शन है, इधर आप लोग को इनेबल कर देना है, मतलब इधर ठीक पर क्लिक कर देना है, जो ये वाला ऑप्शन है, शो ट्रैक बीपीएम। और गाइस, उसके बाद इधर थीम आप लोग चेंज कर सकते हो। तो मैंने थीम को चेंज कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, डार्क करने से इस तरह से आ गया है, कुछ अच्छे दिखने को मिल रहा है। और गाइस, इधर इक्वलाइजर वगैरह सब कुछ है, आप लोग चाहे तो चेंज कर सकते हो। उसके बाद गाइस, इधर इस वाले जो एनकोडिंग केबीपीएस है, इधर आप लोग को 320 केबीपीएस कर देना है, 320 केबीपीएस कर देना है, तभी आप लोग को अच्छी क्वालिटी मिलेगा। तो गाइस, सारे सेटिंग्स हो गया है, तो बैक आ जाता हूँ। तो उसके बाद आप लोग को जो सॉन्ग का बीपीएम चेंज करना है, उस सॉन्ग को इधर सर्च बार दिख रहा है तो इधर सर्च कर लेना है। तो मैंने सर्च के कर लेता हूँ जिस सॉन्ग का बीपीएम चेंज करना चाहता हूँ। तो गाइस, इस वाले सॉन्ग है। तो गाइस, जब पहली बार ओपन करोगे तो इस तरह से आएगा, तो इधर गोइट पर चले जाना है। तो इस तरह से आ गया। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो, इधर इसका ओरिजिनल बीपीएम दिखा रहा है, और इधर आप लोग जो न्यू बीपीएम सेट करोगे वो दिखा रहा है। तो मैंने बीपीएम सेट नहीं किया, तो इसलिए दोनों पर ही 180 दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हो। और इधर आप लोग चाहे तो पिच भी चेंज कर सकते हो, पर मैंने पिच चेंज नहीं करना चाहता हूँ, मैंने बीपीएम चेंज करना चाहता हूँ। तो गाइस, इसका बीपीएम मैंने चेंज कर देता हूँ। तो इधर जो आप लोगों को दिख रहा है, इधर आप लोग इस तरह से बारह होगी तो बीपीएम बढ़ जाएगा, और इधर करोगे तो बीपीएम कम हो जाएगा। तो आप लोग इधर देख सकते हो, बीपीएम चेंज हो रहा है। तो मैंने इसको 200 पर सेट कर देता हूँ। तो गाइस, मैंने इसको 200 पर सेट कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। तो इसके बाद इसको सेव कर लेना है। तो इसके लिए इधर जो 3 डॉट ऑप्शन है, इधर क्लिक करना है, तो इस तरह से आ जाएगा। और इधर आप लोग कुछ चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, रिवर्स ऑडियो का ऑप्शन है आप लोग कर सकते हो, इक्वलाइजर का ऑप्शन है आप लोग कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने सिंपली इसको सेव कर लेता हूँ। तो इधर सेव फाइल पर क्लिक करता हूँ, तो इस तरह से आएगा, आप लोग इसका नेम वगैरह चेंज कर सकते हो। तो मैंने सिंपली छोड़ देता हूँ, ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, इधर जो इसको सॉन्ग को सेव हो रहा है, तो सेव होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो गाइस, इस तरह से आप लोग सॉन्ग का बीपीएम चेंज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हो सके तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दो।
और गाइस वीडियो कैसा रहा कमेंट करके बता देना है। और गाइस इस वाले जो सॉन्ग का बीपीएम मैंने चेंज किया हूँ, इसका एफएलएम फाइल आप लोग को चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दो, मैंने नेक्स्ट वीडियो पर इसका एफएलएम अपलोड कर दूंगा, तो देख लेता हूँ कितना सेव हुआ है। तो गाइस देख सकते हो इसको सेव हो गया है, तो इसको फाइल मैनेजर पर जाके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो गाइस फाइल मैनेजर पर आप लोग को इधर जो म्यूजिक वाला फोल्डर है, इधर आप लोग को मिलेगा म्यूजिक स्पीड चेंजर फोल्डर, तो इसको ओपन कर लेना है। तो देख सकते हो ये वाला सॉन्ग है, तो गाइस देख सकते हो सॉन्ग का एमबी है 7.28 MB। अगर इसको बैक ट्रैकिट पर आप लोग चेंज करोगे तो इसको एमबी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, मतलब 40 MB 50 MB हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हो, और इसका जो क्वालिटी है वो बिल्कुल हटेगा नहीं, तो इस क्वालिटी अच्छा ही रहेगा। तो आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में।